नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह आप देख रहे हैं, राजकीय कमलाकांत मध्य विद्यालय अस्ता है। और मिली जानकारी के अनुसार कई ग्रामीणों कई लोगों के द्वारा इस विद्यालय को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी कि विद्यालय में रख रखाव, व्यवस्था, खान पान और बच्चों को ले शिक्षा के लेकर कई सारे सवाल थे, जिसको लेकर आज स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा इस सवालों के जवाब भी दिया गया है। जो तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपकी पदस्थापना इस विद्यालय में कब हुई? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे मीडिया स्वतंत्र होकर के, आप निष्पक्ष होकर करके विद्यालय से संबंधित कुछ बातों को जानकारी देना चाह रहे हैं और लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले मेरे विद्यालय की पदस्थापन हमारे सूचना पत्र है 15/18 को मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित हुआ। उस समय से मैं यहाँ से कार्य कर रहा हूँ। पदस्थापना होने के बाद आपने शिक्षा समिति को बनाया, या और बनाने के बाद उसे भंग करने की भी बात सामने आ रही है? जब मैं इस विद्यालय में आप पदस्थापित हुआ तो शिक्षा समिति की बैठक मैंने कई बार बुलाया, उसमें एक दो बैठक हुई। एक दो बैठक के बाद यहाँ पे पहले जो शिक्षा समिति के पूर्व सचिव थी और यहाँ के भूमिदाता, उनके द्वारा मुझे काम करने में बाधा उत्पन्न करते गया। और मैं हमेशा अपने सूचना को, बैठक की सूचना शिक्षा समिति के सदस्यों को, सचिव को भेजा करता था और ये बैठक मैं अपने रसोईया के माध्यम से प्रेषित करता था। वहाँ से वहाँ ये लोग इनकार कर देते थे कि मैं बैठक में नहीं जाऊँगा, और हस्ताक्षर युक्त मेरे पास उसका प्रमाण है कि उन लोगों ने बैठक पर मैं आने से इनकार कर दिया। बच्चों के पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन से संबंधित बहुत सारी राशि नहीं जा रहा था उसके खाते में, जिसके चलते परेशानी पैदा हो रहा था। लगभग 5-6 महीना मैंने इस चीज़ों को झेला। बच्चे का मध्याह्न भोजन मैंने उधार चला दिया, इसके बावजूद भी उन लोगों ने चेक काटने से एकदम सीधे इनकार कर दिया। तत्पश्चात मैं इस चीज की जानकारी अपने विभागीय पदाधिकारी को दिया। उस समय स्वर्गीय मनोज कुमार थे डीओ, उनको सूचना प्रेषित किया गया। उसकी सूचना की मेरे पास साक्ष्य भी है जो मैंने दिया है उनको, चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो वो सूचना के आधार पर उन्होंने सचिव को लेटर प्रेषित कर करके कहा कि आप विद्यालय में सहयोग प्रदान करें, विद्यालय में बच्चों का जो लाभ लाभ है वो प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी सचिव के द्वारा यह बात अनसुनी कर दी गई और वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तत्पश्चात डीओ हमारे तत्कालीन श्री मनोज बाबू के द्वारा शिक्षा समिति को भंग कर करके एक तदर्थ समिति का गठन किया, और तदर्थ समिति में हमारे एक वरीय शिक्षक के माध्यम से खाता का संचालन हेतु कार्रवाई की गई। उसके बाद हमारा बच्चे का पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि और मध्याह्न भोजन से संबंधित राशि का काम किया गया। भंग करने का जिम्मेवार हमारे शिक्षा समिति के पूर्व जो थे सदस्य, सचिव, अध्यक्ष, इन सभी के द्वारा था, क्योंकि वो अपेक्षित सहयोग विद्यालय को कर नहीं रहे थे, मनमानी कर रहे थे, अपने हिसाब से चल रहा थे। तो मुझे बाध्य होकर करके सूचना देना पड़ा। पूर्व अध्यक्ष यहाँ स्वतः है कि आप लोगों को पता होगा कि वार्ड जो सदस्य होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष के पद पर अपने आप हो जाते हैं। वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, सिलेक्टेड सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर नहीं होते। सचिव यहाँ रिंकू देवी थी, वो रिंकू देवी सचिव हमारे जो इस पूर्व में थी, वो हमें अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसका मैंने लिखित सूचना विभाग को दिया, विभाग इस पर एक्शन लेकर के शिक्षा समिति का भंग किया और तदर्थ शिक्षा समिति के माध्यम से खाता का संचालन किसी एक के हस्ताक्षर से नहीं, दोस्त के हस्ताक्षर से चलता रहा। सबसे पहले यह जान लें कि शिक्षा समिति भंग होने के बाद आपको कुछ समय के बाद ही 2 साल लगभग कोरोना का काल रहा। कोरोना काल में बच्चों को विद्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, केवल शिक्षक रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा था, जिस कारण से किसी भी तरह का सरकारी गतिविधियां जो थी उस समय बंद पड़ गए थे। स्वतः उस चीजों को हम लोगों ने बाद में जब सामान्य रूप से विद्यालय का संचालन विभाग के द्वारा होने लगा, उसके बाद से मैंने इस प्रक्रिया में लग गया और मेरा 25/12/2021 को सूचना प्रेषित कर करके शिक्षा समिति का चुनाव कराया और शिक्षा समिति बिल्कुल सफलतापूर्वक मेरा संपन्न हो गया है चुनाव। अब भी उस चीजों को मैं चुनाव को संपन्न कराने के उपरांत
जिसका रजिस्ट्रेशन BU स्तर पर होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो थरथरी के हैं उनके स्तर से इसका पंजीकरण होता है। पंजीकरण के लिए मैंने पूरा पेपर्स दे दिया हूँ। वो अभी बीमार चल रहे हैं और बीमारी के कारण अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते शिक्षा समिति फुल फॉर्म में अभी नहीं है। जी रजिस्ट्रेशन है। जी जी नहीं जी बिल्कुल। विद्यालय की व्यवस्था का देख रेख करने की सबसे बड़ी जवाबदेही प्रधानाध्यापक को होती है। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था अगर बिगड़ता है या उसको खराब पाई जाती है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसको संज्ञान में लेकर के उसकी उचित कार्रवाई करते हैं। ये जो आरोप है निश्चित रूप से निराधार बेबुनियाद है। जब ये चोरी हुई है तो प्राप्तिकी संबंधी मेरे पास सारे कागजात उपलब्ध हैं, जो विभाग को मैंने दिया है वो सारे रिसीविंग मेरे पास हैं। थाना में विभाग में जो सूचना दिया है वो सारे मेरे पास पेपर मौजूद हैं, और जो भी ये आरोप लगाया गया जो रजिस्टर्ड पेपर से भी मैंने भेजा है वो सारे मेरे पास साक्ष्य। ये कहीं से भी बात जो बेबुनियाद है, किसी के छवि को बर्बाद करने का एक तरीका है, कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले जो मुझे इस तरह का आरोप लगा करके नाहक परेशान और तंग करते रहते हैं और बदनाम करते हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है यह सुनकर, जब यह विद्यालय में मुखिया द्वारा विद्यालय के प्रांगण के फील्ड में पेपर ब्लॉक, जो अभी ईटा सोलिंग देख रहे हैं, पेपर ब्लॉक का काम किया जा रहा था, तो उसके द्वारा क्या हुआ, कभी गाड़ी अंदर घुसा दिया जाता था, ट्रैक्टर वगैरह, उसके चलते हमारा दरवाजा जो है टूट गया। टूटने के बाद कुछ चीजों में उसमें बिल्डिंग कराने के लिए मुझे लगा कि अच्छा है टूट गया है तो उसको मैं अब बिल्डिंग करा करके इसको लगा दूंगा। कुछ दिनों के लिए उसको उखाड़ कर करके हमारे बगल वाले मिस्त्री के पास उसको बिल्डिंग करने के लिए दिया। बिल्डिंग करने के बाद जब हो गया स्थायी रूप से उसको फिक्स कर करके मैं लगा दिया। ये तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अगर जो दरवाजा किसी गाड़ी से टूट गया है और उसको मैं बनाने के लिए दिया हूँ, ये कहीं से अच्छा लग रहा है, आपको भी सोचने की बात है। गायब तो है ही नहीं, गायब रहता तो आपके सामने वो है। वो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति की एक आदत सी हो गई है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को न ध्यान में रख करके केवल प्रधानाध्यापक के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाया जाए, वो मानसिक रूप से पीड़ित रहे और विद्यालय से यहाँ जल्दी से जल्दी वो भाग जाए, उनकी यही मंशा है। चूंकि यहाँ से पहले हमारे आने से पहले यहाँ की व्यवस्था इसी अंदाज से चल रहा था कि जो इन लोग चाहते थे उसके हिसाब से विद्यालय का संचालन होता था। मैं अपने विभाग के नियामक के अनुसार चल रहा हूँ, इसके कारण इन लोग को बहुत बुरा लग रहा है और वो चाह रहा है कि हम दबाव बनाकर प्रधानाध्यापक को यहाँ से निकालें और मेरी व्यवस्था और मेरा राज यहाँ कायम हो जाए। तो ये जो आरोप लगाया गया है कि जो भी है वो बड़ा हास्यास्पद इसमें भी लग रहा है। बाजू वाले दुकान से लेता हूँ, उसका मैंने आज के डेट में नया व्यवस्था हो गया है कि अब मैं चेक काट करके नहीं देता हूँ। चेक काटने की व्यवस्था सरकार ने बंद कर दिया है। अब सीधे जो एक वेंडर तय की गई है उस वेंडर के माध्यम से उसके खाता में पैसा सीधे पटना से RTGS के माध्यम से चला जाता है। अब मेरा कोई रोल नहीं, मैं वो जो खाना बनाता हूँ उससे सामग्री लेता हूँ, सामग्री और बच्चे की उपस्थिति के आधार पर जी हाँ बिल्कुल जाता है। यह तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर जो आपको कुछ व्हाट्सएप कर दूंगा अगर जो आप लोग लेना चाहें। जी देखिए यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है आज के समय में। जिस तरह से आज एक सोनू प्रकरण के माध्यम से पूरे पूरे वर्ल्ड में ये प्रचारित हो रहा है और बच्चा का जो स्थिति है, निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली बच्चा है,
कुछ कुछ जगह पे अगर सिस्टम विद्यालय शिक्षकों का उसने आवाज उठाया है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सही होगा, लेकिन केवल उसी को यह धारणा बना करके सारे विद्यालय और सारे शिक्षकों के बारे में इस तरह की धारणा बनाना मेरे समझ से न्यायोचित तो नहीं लगेगा। इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और बेहतर से बेहतर अगर जो विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था हो उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही विद्यालय प्रधानाध्यापक की होती है, क्योंकि वहाँ के वो एक संरक्षक है, एक अभिभावक है, एक लीडरशिप है उनके अंदर, तो लीडरशिप के ही माध्यम से कोई भी बच्चा के और विद्यालय के संस्थान को वो संभाल सकते हैं। ऐसा सही बात। आज के डेट में क्या आपको लगता है कि यह प्रश्न कहीं से उचित दिखता है? कोई भी विभाग का पदाधिकारी हो, वो कितना भी नजदीकी हो, सबसे पहले तो ये मैं एक शब्दों में खारिज करना चाहता हूँ कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो मेरे मेरे नहीं है और ना ही मेरी उनसे करीबी है। मेरे विभाग के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलना जुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत मिलना जुलना होता है, और जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप अगर सत्य पाए जाते मैं समझता हूं कि कोई भी पदाधिकारी मुझे नहीं बचा पाते। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद, सत्य से परे है। अभी हाल ही की घटना में बताता हूं कि इन लोग के द्वारा जो ये कुत्सित मानसिकता लेके चल रहे हैं, जो बार बार इस चीजों को बराबर मेरे पास मीडिया को भेज रहे हैं, पदाधिकारी को जांच के लिए भेज रहे हैं, और सब सिफर निकल रहा है, सब झूठा साबित हो रहा है। इसका साक्षात उदाहरण अभी हाल ही के डेटों में एक लोक शिकायत निवारण हिंसा में भी इन लोग के द्वारा यही आरोप लगाया गया था, वो आरोप बेबुनियाद पाया गया, बिना साक्ष्य के सब आधारहीन पाया गया और वो उसको खारिज किया गया और वो पक्ष के मेरे पक्ष में आया है। और मैं यही कहता हूँ और मैं यही समझता हूँ कि सत्य की जीत है, मेरी जीत नहीं है, सत्य की जीत। उत्तर मैं पत्रकार महोदय से एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि इस बातों को लेकर के और भी आगे फैलाएं। हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे, चूंकि स्थानीय स्तर के हम लोग कोई कर्मचारी होते नहीं, हम लोग दूर दराज से आते हैं, कोई 20 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, उस परिस्थिति में हमारा केवल सेवा इसमें जो विद्यालय का समय है उस समय से सारणी तक हमारा ड्यूटी रहता है। उसके बाद का क्या समय होता है, यहाँ कोई नाइट गार्ड की व्यवस्था नहीं है और इस तरह का नाइट गार्ड की व्यवस्था नहीं है, तो मैं यहाँ रह करके बच्चे को कैसे संभाल सकता हूँ? वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का। इसकी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई नहीं होता है यहाँ, कोई रात्रि प्रहरी का ड्यूटी नहीं है। हाई स्कूल में ये व्यवस्था है लेकिन मिडिल स्कूल आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विद्यालय में जो मध्यान्ह भोजन है वो किस प्रकार बच्चों को खिलाया जा रहा है और भोजन कैसा है। चलिए वो आप एक तब दिखाते हैं। आप स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं जी। किस क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में है जी। तो आपको इस स्कूल से क्या समस्या है? क्या समस्या है सर, मतलब हम जब उस समय गए तो सारा समस्या में खराब दिखी। उस समय अनाज खिचड़ी या चावल रहे उसमें कीड़ा निकल गया, बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं थे। इन्फेक्शन से मेरा बच्चा और लोग का पूरा पीती शुरू होना शुरू हुआ। शिकायत हेडमास्टर से किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर जांच पड़ताल नहीं किया। और बच्चे लोग जब भी बोले ऐसा जिस खाना से हमें इन्फेक्शन हुआ है, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, गर्मी का मौसम है इसलिए हुआ। और सारे बच्चे को हो गया, वो बच्चा को हम सब प्रूफ कर सकते हैं। तो और हम इतने कहते हैं सर माध्यम भोजन के जाँच किया जाए और थोड़ा मैडम लोग के थोड़ा सा सुनवाई किया जाए। मैडम से क्या परेशानी है? मैडम जब चावल बट रहा था उस तो वजन में कम था, जब हम लोग बीओ के बीओ बुलवाए तो उस पर बोला कि जाओ जहाँ जहाँ जाना है जाओ, कोई से फर्क नहीं है, जो मिल रहा है वही मिलेगा। तो आप लोग तकली आप लिखित देने के लिए तैयार हैं? कखिन क्या लिखित दें, जो मिल रहा है हम दे रहे हैं, तकली वजन पूरा नहीं दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर आप बच्चे के साथ कभी बड़े अधिकारियों के पास गए हैं? बीओ खुद स्कूल में बुला लिए हैं सर। अच्छा, तो उस पर बीओ बोला कि नहीं जो वजन है तो सही वजन है, हमको एक झोला वजन देख ले, सारे झोलों का भी जांच किया जाए आपके सामने दे। यानी बीओ साहब के द्वारा कहा गया कि वजन सही है? हाँ सही है, लेकिन वो सही नहीं था साहब। हम तो 4-5 झोला हम सर किए हैं लेकिन सब में गलत था।
अच्छा गलत था इस पर वहाँ मुँह देख ली कम होता है सर। तो इसमें तो वहाँ जिसका लाठी उसका भाई सर, हेडमास्टर इतना लापरवाह है कि कह नहीं सकते हैं। अभी स्कूल में अगर हम एप्लीकेशन दे करके बच्चे को छुट्टी लेते हैं फिर भी उसका हाजिरी नहीं लेता है, अगर उगर हाजिर भी है तो उसका हाजिरी कैसे बन जाता है, यही तो हम देखना चाहते हैं कि सर हाजिरी उसका कैसे होता है। इसी सबसे हम परेशान हैं कि भी स्कूल का शिक्षा पठन पाठन जो है सब बेकार है। अच्छा अभी आपके बच्चे स्कूल में ही हैं। अच्छे बताइए कि बच्चे आपके स्कूल में हैं तो कहीं कोचिंग क्लास भी लेते हैं, आठवीं में तो कोचिंग क्लास भी लेते हैं। लेते हैं। क्यों लेते हैं जब स्कूल में पठन पढ़ाई नहीं होता तब लेना पड़ रहा है। अच्छा सरकार तो इतना दे दिया है शिक्षा दे दिया लेकिन वहाँ टीचर लोग देना नहीं चाहते हैं। क्या नाम भी आता है कहता है कि नहीं जो आ रहा है सो नहीं, कभी बता देता है परसेंट नहीं पूरा है, तेरे मुँह देख ली तुम काम करते, जो बच्चा प्रदेश में पढ़ रहा है उसका परसेंट पूर रहा है, जो बच्चा हाजिरी बना रहा है उसका परसेंट क्यों नहीं पूर रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बेबी देवी है। ठीक है आप यही इसी गांव के अस्ता गांव का है। हाँ आपको देखिए वहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि बच्चे एक लाइन कतारबद्ध होकर भोजन कर रहे हैं और जो जो रसोईया है वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि भोजन किस तरह से परोसा जा रहा है और भोजन कैसा है। बच्चे से भी बात करें इसको लेकर, आप देखिए कि थालियों में इस वक्त खिचड़ी और चोखा परोसा गया है और बच्चे लाइन में आराम से इसका हम खाना खा रहे हैं और इसका स्वाद भी ले रहे हैं। तो हम किसी बच्चे से भी बात करेंगे तो बताइए कि खाना कैसा लग रहा है? क्या ठीक है? अच्छा है खाना, लगातार खाना अच्छा मिलता है, कभी गड़बड़ी भी होता है? जी मिलता है। क्या बैठता है? अच्छा रोज खाना मिलता है, खाना अच्छा रहता है जी हमेशा, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं? आप बताइए कि खाना आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। अच्छा लग रहा है जी। खाना आपको ये रोजाना मिलता है जी? खाना में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी कोई शिकायत कहीं से नहीं? तो रोज खिचड़ी चोखा ये मिलता है या फिर बदल बदल के? तो खाना में स्वाद रहता है पूरा जी। जैसा कि आपने देखा कि बच्चे को भी यहाँ का खाना पसंद है और खाना जो है रोजाना नियम के रूप में मेनू के हिसाब से यहाँ परोसा जाता है और ये खाना बच्चों को रोजाना दिया जाता है। तो हम दिखाएंगे कि यहाँ का आप देख रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे हैं वो यहाँ ड्रेस में हैं, डिसिप्लिन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के जो रहन सहन की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी तरह दिखाई दे रही है। अब चलिए मैं इस पर इसको लेके स्कूल के जो रख रखाव है उसको लेकर मैं आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नल पंप लगा हुआ है बच्चों के पानी पीने को लेकर, और साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सामने दीवार भी टूटा हुआ है जिसको लेकर हमने यहाँ के प्रधानाचार्य से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल की जो दीवार टूटी हुई है ये बाहरी उपद्रवियों के द्वारा तोड़ा गया है लेकिन ये विद्यालय का जो निर्माण होगा वो मनरेगा के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे विद्यालय के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान नालंदा के द्वारा शौचालय का भी निर्माण किया गया है और ये शौचालय का निर्माण किया गया है, जबकि देख रहे हैं कि बालक लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण किया गया है जो कि जिसका निर्माण 2019-20 में किया गया है स्वच्छ भारत के तहत। और साथ ही साथ बालिका शौचालय का भी आप देख रहे हैं कि बालिका शौचालय का भी निर्माण है साथ ही साथ। और यहाँ की कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर बच्चों के शौचालय की व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी देखी जा रही है। जैसे मैं आपको शौचालय दिखा रहे हैं ऐसे तो आमतौर पर कोई शौचालय नहीं दिखाया जा सकता लेकिन मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से विद्यालय के द्वारा शौचालय में टाइल्स का भी निर्माण किया गया, साथ ही एंटी स्किल किया गया है कि किसी भी तरह का यहाँ जो बच्चे फिसलन ना हो और उसके बाद वॉशरूम करने के बाद बच्चे उसे फ्लैश करके उसे फ्लैश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग से इसके लिए टंकी भी लगाया गया शौचालय के ऊपर, लेकिन वही देखिए विद्यालय के छोर में थोड़ी बहुत गंदगी पाई गई है जिसको लेके प्रधानाचार्य ने कहा है कि ये गंदगी नहीं जो मध्यान्ह भोजन का जो रखा जाता है वो फेंका जाता है बच्चों के द्वारा, लेकिन इसको जल्द से जल्द बोला गया है कि इसे सफाई करवाया जाएगा और इस तरह की गंदगी से बच्चों को बीमारियां फैलने का डर रहता है, इस वजह से हम लोगों ने सफाई कर्मी को 2 दिन पहले ही कह दिया है कि विद्यालय आकर इसकी सफाई जल्द से जल्द करवाए। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। Nalanda Vidya Mandir, one of the best schools, this school is affiliated from CBSE. It has a huge transport facilities for students including school buses and school vans, equipped with a large playground for children, music classes, computer lab, science lab, library.
There's a peaceful campus in the outskirts of the city along with a well-maintained infrastructure. A good team of faculty members, reception, culture program and sports are included to enhance the efficiency of the students in the campus. Bachpan, India ka favorite play school. करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी